टाइम तक उसकी हालत इतनी बिगड़ चुकी ही कि एसी में घुसा, एसी भी पिचका दी, मैंने घुसा मार गए। लेकिन जब डॉक्टर्स ने बोला ये जो ये रिपोर्ट इस लड़के की, आप ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी दिखा कहीं भी दिखा और कोई भी ये कह दे इस लड़के को हम बचा सकते हैं, तो आप हमारा हॉस्पिटल आज का आज बंद करा देना। सारी नसें जली पड़ी थी, घुसाई उसको, ये पता था कि मेरी कौन सी नस काम कर रही है, उसकी सारी नसें जली हुई थी, किसी के अंदर ब्लड नहीं था। सबकी पिटाई कर दी, जितनी भी नर्स थी, जितने भी डॉक्टर्स थे, सबकी। शाम तक ही, सुबह तो बोल रहा है 10 बजे और शाम को 8 बजे तक वेंटिलेटर की हालत होगी। उसकी जो रिपोर्ट आई थी वो पूरी, मतलब ऑल ओवर इंडिया जितने भी अच्छे हॉस्पिटल है ना, सब जगह घूमे, व्हाट्सएप भेजी, मेल भेजी कि भैया ये रिपोर्ट है, कोई बचा सकता है, सब ने हाथ खड़े कर दिए। अगले दिन सुबह 11:30-11 बजे तक खत्म। मैं तुम लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं, ये जो एम पे जो टर्मिन है इसका, इससे मसल, अब जैसे इसने बताया कि जब उसने इंजेक्शन लिया तो उसको इतना ज्यादा एग्रेसिव हो रहा था कि एसी तक फोड़ दिए उसने, घूसे मार के दीवार तक फोड़ दी, घूसे मार के डॉक्टर तक पीट दिए। मेरी बॉडी के अभी लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन के यार, तो तुम्हें ब्लड रिपोर्ट अपनी दिखाऊंगा अक्टूबर की। सब कुछ खत्म था, सब कुछ। Hey everybody, welcome back to the channel. This is me, Rajiv Shishodian. Guys, आज हम एक वीडियो बना रहे हैं और वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ वो ड्रग, वो रीजन जिसकी वजह से बहुत सारे हमारे भाई हमें छोड़ के चले जाते हैं। बॉडी बिल्डर्स हर दिन आप सुनते होंगे, किसी की हार्ट अटैक से मौत हो गई, किसी कोई रेसलर की डेथ हो गई, किसी बॉडी बिल्डर की डेथ हो गई, वर्कआउट करते करते डेथ हो गई। तो उसका बहुत कॉमनली एक रीज़न है जो ज़्यादातर पाया जा रहा है और बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड में आ गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान जा रही है। तो मैं कपिल पाजी और मैक्स का वेट कर रहा हूँ, वो आ जाए। तो हमने जो हमारा भाई खोया आदेश बिकॉज ऑफ ओवरडोज, उस ड्रग की ओवरडोज की वजह से, क्योंकि वो 1.5 साल से ले रहा था, एक दिन ऐसा हुआ कि ओवरडोज कर दी और उसी दिन उसकी एक दिन दो दिन के अंदर डेथ हो गई। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आदेश को आप जानते होंगे, बहुत सारी वीडियोज़ में आपने मेरे साथ उसको देखा होगा शुरुआती वीडियोज़ में, और बहुत अच्छी बॉडी थी, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ थी इसके अंदर, रेसलिंग प्लस बॉडी बिल्डिंग दोनों में हाथ डाला हुआ था। तो इनर स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी थी, इनर स्टेमिना भी बहुत अच्छा था। पता नहीं कहाँ से हमसे छुपा छुपू के इसको इस ड्रग की आदत लगी, इसने लेना शुरू किया और लेते 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 इतना एडिक्टिव हो गया कि भाई दुनिया छोड़ के जाना पड़ा। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं आज। बहुत जल्दी से कपिल पाजी और मैक्स आ जाएं, क्योंकि जो उसको हॉस्पिटल लेके गए, जो वो सारी चीज़ हुई वो तब हुई जब मैं अंदर था। तो जो चीज़ मैंने देखी नहीं है वो मैं आपको नरेट करूँ तो ठीक नहीं है, जिसने देखा जो उसको हॉस्पिटल लेके गया वही बताए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वेट कर रहे हैं उनका, वो आ जाएं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको जनरल फिटनेस करना है, बॉडी बिल्डिंग करनी है या अच्छी फिजिक चाहिए, आप सप्लीमेंट्स कुछ भी खा लो, बट ड्रग्स की तरफ मत जाओ यार, क्योंकि सप्लीमेंट से कोई नुकसान नहीं है बट ड्रग्स तो नुकसान देगा ही देगा। और आधी मुझे क्वेरीज जो आई है मैं बहुत जल्दी से बता दूं, डॉक्टर जो इसकी वे प्रोटीन के बारे में, कि जो डाइटिशियन वाली जो बात थी, 100 लोगों को फ्री डाइट मिल रही है पर मंथ, तो भाई वो पैसे लेके नहीं मिल रही है, आप जो प्रोटीन खरीदोगे, ये 3-वे फ्यूजन इसके बारे में मैंने बताया था, ये जब आप प्रोटीन खरीदोगे तो पैसे नहीं ले रहा आपसे कोई, आप प्रोटीन खरीदोगे, आप इसके ऊपर एक स्क्रैच कोड है, लास्ट टाइम मैं दिखा नहीं पाया था क्योंकि वो बॉक्स मेरे लिए आया था सिर्फ, इसके ऊपर स्क्रैच कोड है, इसके स्क्रैच करो और इसको मुझे या डॉक्टर से इसको ट्रैक कर दो, आपको उधर से कॉल आ जाएगा अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो। उनको 1 महीने का डाइट चार्ट उनकी वेट उनकी हाइट के अकॉर्डिंग प्रोफेशनल डाइटिशियन के थ्रू दिलवाया जाएगा। और जिन्होंने अभी तक नहीं खरीदा है भाई, वे प्रोटीन मांगते हैं लोग, जो कहते हैं कि भैया आइसोलेट प्रोटीन खाना थोड़ा महंगा पड़ जाता है, हमारे बॉडी पे फैट नहीं है तो हम कार्ब्स थोड़ा बहुत खा सकते हैं, तो ये वे 3 प्रोटीन है, आइसोलेट, हाइड्रोलाइज और वे प्रोटीन का मिक्सर है, दैट्स वाई इसका नाम 3-वे फ्यूजन रखा गया है। 25 ग्राम इसके अंदर आपको प्रोटीन मिल जाता है, 5.5 ग्राम इसके अंदर BCAA मिल जाता है, 4 ग्राम ग्लूटामाइन, 11 ग्राम EAA और शुगर इसके अंदर भी 0 है। तो यहाँ पे आप इसके न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं और ये वाला जो फ्लेवर इसका नया लॉन्च करा डॉक्टर जोई ने, दैट इज़ वेरी अमेजिंग। तो जिन्होंने अभी तक बाय नहीं करा है, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल देता हूँ, जाके बाय कर लो। और इसका जो स्क्रैच कोड है, इसको स्क्रैच करके आप मुझे, डॉक्टर जोई, नितिन चंदीला भाई को, किसी को भी टैग कर सकते हो, अगर आप उसमें से सिलेक्टेड 100 लोगों में से आ जाते हो तो आपको प्रोफेशनल डाइटिशियन की तरफ से 1 महीने की डाइट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, आपके वेट, आपकी हाइट, आपकी उसके अकॉर्डिंग। तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल देता हूँ। और कपिल पाजी और मैक्स आ चुके हैं, आप चल के इनके पास जल्दी से हम बात करें, आपको बताएं, समझाएं कि क्या चीज़ हमने देखी है, वो आप प्लीज़ ना देखें या आपकी फैमिली में कोई ना देखें। आ जाओ बैठ के बातें करते हैं, आपको बताते हैं सारी चीज़ें इसके बारे में। तो भाई फाइनली जिस वीडियो का आप लोगों को बहुत दिन से वेट था हमारे छोटे भाई के बारे में,
अब देखो ऐसा बना तो मैं भी देता, बट जो चीज़ मैंने अपनी आंखों से देखी नहीं उसके बारे में मैं उतना नहीं बता पाता जितना मैक्स बता देगा, क्योंकि मैक्स और कपिल भाई, ये कपिल के बड़े भाई हैं, और जो आदेश था भाई हमारा, इन दोनों का चाचा जी का छोटा बेटा था, दो भाई हैं, एक भाई बाहर है, छोटे भाई की डेथ हो गई, तो वो जो पूरी स्टोरी हुई थी वो एंड में बताऊंगा। ये जो जिस ड्रग की हम बात कर रहे हैं, ये किस तरह से एडिक्टिव होता है, क्या केमिकल नेम है, कैसे इसकी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले इसके जो साइड इफ़ेक्ट देखने मिले हैं, जिसकी वजह से हमारे एक छोटे भाई की स्क्रीन पे आपको बहुत सारी फ़ोटोज़ वीडियोस दिख चुकी होंगी अभी तक, जो हमारे बीच नहीं रहा, तो उसकी स्ट्रेंथ के बारे में मैक्स बताएगा, कपिल पाजी बताएंगे, क्योंकि बचपन से रेसलिंग में था, ऐसा इंसान नहीं झेल पाया। तो आप और जो बहुत सारे शहर में बच्चे बड़े हुए हैं बाहर का दूध पी के, पैकेट वाला दूध पी के, वो क्या ही झेल पाएंगे। तो ये जो चीज़ देखने मिल रही है, बहुत ज़्यादा देखने मिल रही है, ट्रेंड चल गया इस चीज़ का, तो आपको थोड़ा सा अवेयर कर दें। वो जो दर्द मैंने अंदर देखा, क्योंकि वो जो फ़ोटो अखबार में दिख रही होगी, तो मैं ये जो आई, ये मेरे हाथ से खींची हुई फ़ोटो है, तो वो मुझे इतना टॉर्चर हुआ 15-20 दिन, और ये तो घर में उसको हाथों में लेके गए थे, तो इनकी जो हालत रही थी वो मेंटल ट्रॉमा, कई महीनों निकला नहीं, उनको रात को सोते टाइम दिख रहा है, इसको दिख रहा है, तो वो चीज़ किसी आप लोगों के किसी घर में ना हो, आपको वो दर्द ना झेलना पड़े, दैट्स व्हाई वीडियो बना रहे हैं। तो मैक्स जो लास्ट ओवरडोज इंजेक्शन लगा, उसके बाद जो हालत थी वो कैसे थी, क्या थी? और कपिल भाजी आप एक पहलवान के बारे में बता रहे थे, तो जिस ड्रग की हम बात कर रहे हैं, पहले दो कहानी सुना देते हैं, क्योंकि आजकल जितने भी हार्ट अटैक आ रहे हैं जिमों के अंदर, वो बिकॉज ऑफ दिस ही आ रहे हैं। बाकी आप कोई भी सप्लीमेंट खाते हो, किसी भी तरह का फैट बर्नर वगैरह खाते हो, कैसी भी डाइट लेते हो, लो कार्ब हाई प्रोटीन, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस जिस ड्रग की हम बात करने जा रहे हैं ना, इसको बोलते हैं एम्प या टर्मिन। इसके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे, पहले आपको दो स्टोरी सुना दें। एक तो अभी जल्दी की बात है पाजी, बताना वो अभी एक लड़का था महाराष्ट्र के, पहलवान था, हाँ, तो वो कुश्ती से पहले उसने वो लगा लिया एम्प, एम्प और कुश्ती लड़ा, हाँ, उसका जो है ना कुश्ती लड़ने के बाद हार्ट फेल हो गया, कुश्ती में ही ऑन द स्पॉट खत्म हो गया। कुश्ती लड़ते लड़ते हुआ क्या, उसमें वजन भी 120 किलो, 120 किलो का महाराष्ट्र केसरी, मतलब कि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पहलवान, वो इंसान नहीं झेल पा रहा। हुआ क्या, उसने कुश्ती लड़ी, इसके अंदर हमको बहुत इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, बहुत इंस्टेंट हमें पंप मिलता है, और बहुत ज़्यादा हमारा ब्लड फ्लो तेज़ हो जाता है, तो कहीं ये इसीलिए एडिक्टिव होता है, तो इंसान को ऐसा लगता है कि मेरे अंदर बहुत जान आ गई है। तो उसने पहले एक कुश्ती लड़ी, एक इंजेक्शन लगा के एक कुश्ती लड़ी, उसके बाद उसी जहाँ पे लड़ी उससे कुछ दूर एक कुश्ती और हो रही थी। तो कुश्ती जो होती है वो ऐसे होती है कि बहुत सारे शौकीन लोग आते हैं, वो कहते हैं इस पहलवान के साथ जो लड़ेगा या इससे जो जीतेगा हम 1,00,000 रुपये का इनाम रखेंगे, इस तरह से कुश्ती होती है। तो 1,00,000 रुपये की कुश्ती उसने जीती, तो उसने सोचा 1,00,000 वहाँ से भी कमा लूँ, वहाँ गया, वहाँ दोबारा कुश्ती हुई आधे घंटे की, उसने सोचा थोड़ा सा एम पावर लगा लेता हूँ, और उसके बाद दूसरी डोज ली, लड़ते लड़ते हार्ट अटैक आया, वहीं खेल ख़त्म। अब यही चीज़ हुई हमारे भाई के साथ, तगड़ा था, खाया पिया अच्छा था, तो कुछ दिन तो झेलता रहा, लेकिन उसके जो हाव भाव थे, मैं भारी था उससे एक साल पहले, पाजी मैंने बताया था ना आपको, मैंने पाजी को, क्योंकि मेरे से बहुत अटैच था, लेकिन क्या होता ना, जो हम माँ बाप की सुनते हैं, अब मैं इनसे कितना भी अटैच हूँ, लेकिन इनकी डांट काम नहीं करेगी, डांट काम पापा की करेगी, तो मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच था, सारी चीज़ें मेरे साथ शेयर कर लिया करता था, लेकिन मुझे जब पता लगा, देखे मैंने उसके रंगढंग, मैंने पाजी को बोला, मैंने कहा पाजी आदेश को समझाओ, क्योंकि ये जो इस हिसाब से चल रहा है, 1 साल 1.5 साल, यही बात, ये वर्ड थे मेरे, और मेरे उन वर्ड्स के 1 साल 1.5 साल मैंने बोला था, 1.5 साल के अंदर यार चला गया छोड़ के। तो वो जो हालत उसकी थी ना लास्ट मोमेंट की, सुन के डर जाओगे, वो मैक्स बताएगा, मैक्स, क्योंकि मैक्स ही उसको लेके गया था। तो जो उसने डोज लगाई लास्ट, फिर फ़ोन आया, हाँ, तो ऐसा ऐसा था, मेरे जो ना कमर में चोट लगी हुई थी, तो छोटे गया था उससे मिलने, कुछ सामान लेने, हाँ। उसको आदत थी जैसे पहलवान बच्चों को किसी पे किसी चीज़ की कमी है ना, हाँ। तो वो ले लूँ, हाँ। कुछ भी। तो छोटे बोला भैया प्रोटीन की कमी है, होली का दंगल आ रहा है, वो उसी के टाइम की बात थी। छोटे गया तो उसने उस टाइम भी लगा लिया था, वो डोज ले लिया था, अच्छा। बेचैनी होनी स्टार्ट हो गई, अच्छा। तो उसके हाथ कांप रहे, जब वो प्रोटीन दे रहा था, उसने कही मैक्स को भेज दियो, मेरे कमर में छोटी में सो रहा था, तो 2 कॉल आई 3 कॉल आई 4 कॉल आई, तो मैंने देखा नहीं। छोटे बोला भाई तुम सो रहे हो, वो क्या नाम है आदेश भाई तुम्हें बुला रहे हैं, नुकई
बहुत ज़्यादा इमरजेंसी, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी बोली। फिर कैसे फ़ोन आ गया जब उसने ऐसे बोली, तुरंत एकदम मैंने फ़ोन उठाया तो उसने कही जहाँ भी हो जैसे भी हो बस मेरे पास आ जा बस, कैसी अब स्पीड में बहुत स्पीड से आ जा। बोलो कुछ हुआ भी, बोलो बहुत कुछ होगा तो भगिया बस। मैंने एकदम चप्पल पहरी, अरे सीधा मंदो मंदो, मतलब कमर में चोटी तो मैंने ज़्यादा सूट ना मार के, मतलब जितनी मुझ पर भागो गए मैं भाग के घर पहुँच गया। तो उस टाइम तक उसकी हालत इतनी बिगड़ चुकी ही कि एसी में घुसा, एसी भी पिचका दी मैंने घुसा मार के, मतलब इतनी ज़्यादा बेचैनी होगी, इतनी बेचैनी थी। क्या हुआ, वो लास्ट डोज जो उसने लगाई ना वो थोड़ी ओवरडोज हो गई, वो ये सोच के लगाई कि मैं अभी जिम जाऊँगा तो लगा लेता हूँ जाके वर्कआउट करूँगा, लेकिन बॉडी बहुत टाइम से झेल रही थी। आज वो दिन आ चुका था ख़त्म वाला कि आज बॉडी ये बोल चुकी थी, आज तूने थोड़ा सा भी डाला, हाँ ओवरडोज की भी एक लिमिट है, हाँ मैं झेलूंगी नहीं। उसने उस दिन वही गलती कर दी, उस दिन थोड़ा एक्स्ट्रा लगा लिया कि आज लेग्स करने तो और ज़्यादा एक्स्ट्रा करके जाऊँगा। तो उसकी हालत ये थी कि एसी को मुक्के मार मार के, तगड़ा बहुत था भैया, हम उसकी स्ट्रेंथ के सारे फ़ैन हैं कि 120 किलो 130 किलो के लड़कों में कभी भी चाटे चला देने, झगड़ा कर लेना, तो वो स्ट्रेंथ का ना सांड जिसको बोलते हैं वो था। तो एसी घर की दीवारें उनमें मुक्के बजा रहा था जब मैक्स को मिला। फिर उसके बाद क्या हुआ मैक्स? तो जैसे ही क्या नाम है, मैंने पूछा भाई, बोला बस कुछ मत देख अस्पताल अभी क्या अभी, मैंने तो मैंने कम मन करी चल अभी। तो उसके अंदर इतनी बेचैनी ही कि चप्पल सामने कट रही, सामने चप्पल सामने रखी, सामने चप्पल रखी तो उसने चप्पल तक नहीं पहनी, चप्पल पहनने में एक सेकंड लगे, एक सेकंड को उसके पास टाइम ना आयो, मतलब कैसे उछल लो उछल लो कूद रहे बुरी तरह से नंगे पाँव भी जो ना, बोले चप्पल कोई भी ले आओ गाड़ी में कोई। मैंने तरुण पे फ़ोन करो, हमारे भतीजे ने गाड़ी मोड़ के दरवाजे पे लगा दी बहुत स्पीड से। जब ही उसने बोला मैंने फ़ोन मारो, मन की जल्दी गाड़ी लिया, गाड़ी लिया, बोला मुझे प्यास लग रही है तो कुमार भाई लाए एक जग पानी लाए पूरा भर के, एक जग माने ऐसे पी लिया जैसे एक गिलास पी लें। बॉडी अंदर से टेम्परेचर इतना हाई था, किडनी दो ढाई लीटर पानी ऐसे पी, दो ढाई लीटर पानी एनू पकड़ के ऐसे पी गया प्यार से। और फिर बोला एक जग लिया, वो आधा जग पी गया। फिर बोला एक बोतल एक्स्ट्रा भर के धरो, एक बोतल एक्स्ट्रा भर के धरी, गाड़ी चलाई बहुत स्पीड में, मैंने गाड़ी लगाई बहुत स्पीड में, मतलब यू है कि कुर्सी पे ना सीट पे उसकी नाड़ सत ना पकड़ रही, उसकी नाड़ कदी इधर गिर जा। हमने उनकी मम्मी साथ ले ली अपने, तो उन्होंने नाड़ पकड़ रखी, मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ मैं तो नाड़ नहीं पकड़ सकता, तो कभी नाड़ नू गिर जा यू हालत हो रही उस टाइम। तुरंत हम स्पीड से भगा के एमरजेंसी में न्यू हॉस्पिटल में हमने इमरजेंसी में जाकर, हाँ अच्छे डॉक्टर हैं वहाँ, हर चीज़ की फैसिलिटी, लेकिन जब चीज़ें क्या डॉक्टर क्या करें, जब चीज़ें पहले ही बिगाड़ दी सब, ओवरडोज लगा के। और दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ और बता दूँ, अभी क्या हो रहा है मैं एक फैक्ट बताऊँगा आपको। मैं अब क्योंकि अभी ना हम बात तो कर रहे हैं लेकिन सारे ना हम अब सोच के ना उसकी शक्ल घूमेगी अभी एक दो दिन। अभी क्या हो रहा है, लड़के ना नए नए बॉडी बना रहे हैं, उनको ये इंजेक्शन दिए जा रहे हैं मार्केट में, पता नहीं क्यों बिक रहे हैं ये जो एम्पोटर्मिन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो ये सिर्फ होड़ में बॉडी बनाई जा रही है, रील्स बनाने की, एक दूसरे को तगड़ा दिखाने की। कपिल पाजी की आपको स्क्रीन पर फ़ोटो दिख रही होगी, मेरी आपको फ़ोटो दिख रही होगी, श्रेडिड हम बहुत तीन चार साल रहे, लेकिन हमको रियलिटी पता लग गई टाइम से, और हमने कहा बाढ़ में गई ये बॉडी। अभी ट्रांसफॉर्मेशन किया मैंने, 4 महीने में दोबारा मेरी तोंद निकली हुई, आधे लोग मुझे भी बोल रहे हैं, लेकिन हमको इतनी मेच्योरिटी है दिमाग में कि हमको भीड़ का हिस्सा बनना नहीं है, हमको वो काम करना नहीं है जो भीड़ कर रही है, अपनी हेल्थ से खेलना, अपनी सेक्सुअल हेल्थ से खेलना, अपनी इनर हेल्थ से खेलना। उस चीज़ का ऐसी बॉडी कोई फ़ायदा नहीं है कि भाई आप आधे लोग इस चक्कर में कर रहे हैं कि राजवीर की बॉडी तगड़ी है तो मैं इससे तगड़ी बॉडी बनाऊंगा, और हमारे आदेश ने यही गलती करी थी, क्योंकि जब वो जिम में जा रहा था उसकी एज थी 22-23 साल उम्र थी, तो उसको ऐसे लगा कि ये जिम में जितने बॉडी बिल्डर हैं ना जिनके बाइसेप्स 21-21 इंच के, सबको पीछे कर दूंगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो मसल होती है ना ये टाइम के साथ मेच्योर होती है, टाइम लेती है, एज लेती है। अब मैं ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन अभी कोई 10 साल का बच्चा किसी कोई उसको ये बताए ये इंजेक्शन लगा ले वो इंजेक्शन लगा ले, तो तेरा जो पीनस है वो इन तीनों से बड़ा हो जाएगा, वो कुछ भी कर ले वो नहीं हो सकता। लेकिन एज के साथ होते होते हम 30 साल के हैं, तो जो हमें भगवान ने जो साइज दिया है हर मर्द को, वो एक एज के साथ बड़ा हुआ ना, जेनेटिक बड़ा होता है एज के साथ बड़ा होता है। 10 साल का बच्चा उसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ करे नहीं हो सकता, लेकिन छेड़छाड़ करेगा तो वो बर्बाद जरूर हो जाएगा।
तो सेम गोज विद दी मसल्स, आधे लोग ये सोचते हैं कि हमारी मसल जो 40 साल का बॉडी बिल्डर है उसके जितनी मैच्योर हो जाएगी, 20 साल की उम्र में वो नहीं हो सकती। उसके लिए आप कितना भी स्टेरॉयड ले लो, कितना भी एम्प ले लो, कुछ भी ले लो, नहीं हो सकता। इसके बारे में मैं बात करूंगा अभी, पहले आप आगे की स्टोरी सुनो। अच्छा फिर भाई एमरजेंसी में मैंने जाके लेटा दिया, मैंने गाड़ी रोड पे छोड़ दी, मैंने पार्किंग वार्किंग नहीं लगाई, क्योंकि उसने बोला कि बस तू मुझे लेके भीतर बहुत स्पीड में लेके अंदर चल बस। मैंने हाथ पकड़ा चाबी भाई, पीछे ट्रैफिक लग गया, कोई दिक्कत नहीं, मैंने अंदर इमरजेंसी में लिटा दिया। डॉक्टरों ने तुरंत एकदम सब ने कवर किया, भक्के बोले भाई क्या मतलब क्या है, मन कीजिए कि कोई इंजेक्शन है, मैंने टर्मिन बताया तो उन्होंने एकदम डाला और एकदम उसका सोल्ट निकाल के बताया, अरे ये क्या लगा लिया इसने। उन्होंने पढ़ा, बोले ये तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है, ये तो ड्रग्स है। तो डॉक्टरों ने एकदम बोला ये किस जगह चल रही है, किस अखाड़े में चलती हैं ये डोज, या किस जिम में चल रही हैं आज की डेट में ये डोज, ये तो लगाने की कोई चीज़ नहीं है। मैंने बोला ऐसे ही लगा ली इसने गलती से। बोले ठीक है, तो तुरंत उसका बीपी वीपी चेक करा। तो एक चीज़ हो रहा है इसमें, एक चीज़ और ऐड करूँ, जैसे कोई भी बॉडी बिल्डर इस तरीके से इंजेक्शन लगा ले हॉस्पिटल ले जाए, हॉस्पिटल वाले एडमिट ना करते, बहुत नहीं करते, बूझा पहले वो बचे हैं पुलिस केस क्या कदी, क्योंकि किसका पता कितनी डोज लगा कर रहा, मर जा गिर जाए तो हॉस्पिटल का नाम खराब हो गए, हॉस्पिटल वाले बॉडी बिल्डर नो एडमिट ना करते, नहीं करते। और ये तो हमारा लोकल का हॉस्पिटल है, हमारी थोड़ा प्रेशर मान लो, गांव वाले लोगों ने कितना हंगामा कर दिया था कि भाई हॉस्पिटल की गलती बता दी एक मिनट में। लेकिन जब डॉक्टर्स ने बोला ये जो ये रिपोर्ट इस लड़के की, आप ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी दिखा कहीं लो, भी दिखा और कोई भी ये कहते इस लड़के को हम बचा सकते हैं तो आप हमारा हॉस्पिटल आज का आज बंद करा देना। बिल्कुल यही बात हुई थी, ये चीज तो उन्होंने जब बिल्कुल ठीक है ना बोल चल रहा था, ये चीज तो उन्होंने जब ही बता दी कि ये आने वाले 24 घंटे में वेंटिलेटर पर जाएगा। उसने खुद नहीं बता दी मुझे, धोरे को बुला के बोला मेरी लास्ट सेल्फी ले ले, तू मेरा भाई होगा। मैं बोला सेल्फी है अभी तेरे पास? हाँ मेरे पास सेल्फी दूसरे फ़ोन में रखी है, वो बंद है, मैं ओपन करके निकाल लूँगा। तो मैं बोला उसको ये पता लग गया था कि आज मैं जा रहा हूँ। हाँ उसने बोला तू मेरा भाई है, मुझे प्यार मानता है। मैं बोला मानता हूँ, इसीलिए तो सेल्फी नहीं ले रहा। बोला इसीलिए ले ले बस, तू आज आज ले ले सेल्फी, लास्ट है, लास्ट सेल्फी है। मैं बोला भाई तू ओंधी बात मत कर, उल्टी सीधी बात कर रहा है तू। तो बोला भाई मुझे मेरे अंदर की पता है कि तुझे पता है? मैं बोला तुझे पता है तो फिर अब ले ले। तो मैंने दो तीन सेल्फी उसकी वहीं पे ले ली, वो लास्ट सेल्फी थी उसकी। बोला अब इसको संभाल के, इसलिए मैंने सेल्फी के साथ साथ वो फ़ोन ही संभाल के रख दिया हमेशा के लिए। अच्छा। उसमें ही पड़ी है वो अंदर लॉक कर दिया मैंने फ़ोन। खून कितना निकला था जब? और जैसे डॉक्टर ने ग्लूकोज व्लूकोज तो लगा दिए जाते ही, और फिर वो कहने लगे कि हम इसका MRI वो करेंगे, CT स्कैन, कभी ज़्यादा हैवी डोज से कोई ब्लॉक वो ना नस दिमाग में कोई दिक्कत ना आ जाए। मैंने कहा ठीक है जी कर लो। तो उन्होंने वो बोले एक पहले हमें चाहिए ब्लड सैंपल दो। तो ब्लड सैंपल के वो लेडीज वो आई सिस्टर, उसने नस में सुई घुसाई, उस पर ब्लड ही ना निकला उसका। उसने तीन चार बार जगह जगह से कोशिश करी, यहाँ से वहाँ से तीन चार जगह, सारी नसें जली पड़ी थी, सुई घुसाई। उसको ये पता था कि मेरी कौन सी नस काम कर रही है, उसकी सारी नसें जली हुई थी, किसी के अंदर ब्लड नहीं, उसमें ब्लड ना निकला। ब्लड ना निकला, मैंने कहा नया लड़का, इसमें तो ब्लड एकदम निकल गया। वो बोला देखिए सिरिंज खुद नहीं, सिरिंज पकड़ी ऐसे घुमाई, नस में ऐसे ऐसे दो तीन व्यंग करी, वो एकदम भर कर दी थी एक मिनट में। तो डॉक्टर वो जो ना हैप रह गया, तो क्या आदमी है इसे कैसे पता। तो वे बोले खिलाड़ी हो रहे तो रोज लगावे, रोज लगाने वाला तो ये वो नीली पड़ रही दोनों हाथ में, ये इतनी तो जगह है दोनों में, वो नीली हो रही बिल्कुल पता चल रही, और जगह ही ना बच रही कहीं। डॉक्टर ने बांध भी तो दिया वो, फिर जब तो वो एडमिट होगा फिर उसको वो कराई, एक दो दिन के बाद जो दिक्कत हुई फिर MRI वगैरह कराई, CT स्कैन कराया, उनमें कोई वैसे ब्लॉकेज व्लॉकेज ना आई। फिर उसके जो ब्लड गए थे वो उसमें रिपोर्ट रात को आई, तो उन्होंने किडनी में इन्फेक्शन आया। अच्छा। और BP स्टेबल ना हो रहा है। अच्छा। तो उसने दवाई लगाई ना, उससे वो दवाई बाहर ना निकली ना, उसने बाथरूम करा, इतना पानी पे इतना ग्लूकोज लाई, उससे मतलब बाथरूम नहीं आया। और फिर BP लो होगा, हाई की जगह लो होगा, उल्टा होगा उसके साथ, इतना लो होगा कि उन्होंने हाई की जो उनके पास प्रॉपर डोज थी ना, जो सबसे हाई डोज थी वो सारी लगा ली, BP स्टेबल ही ना हुआ। वो कह रहे कि अगर BP एक बार स्टेबल हो जाए तो हम इसका वो कर दें जो खून वो डायलिसिस कर देंगे मशीन के द्वारा, लेकिन डायलिसिस करने के लिए BP कंट्रोल तो हो, जो दवाई खून में है डायलिसिस करते तो वो खून में से दवाई है मशीन निकाल लेती, खून फिल्टर करके वापस डाल देती, तो उसे एकदम आराम हो जाता। आराम डायलिसिस की प्रक्रिया तो जब ही चला जब
बीपी कंट्रोल में आवे, बीपी लो पड़ा है, डायलिसिस कैसे करें? और वो बेचैनी रात में भी तो हुई थी हॉस्पिटल में? हाँ रात में तो ठीक, रात पहली रात तो ठीक कट गई उसकी, हंसते हुए कोई दिक्कत ना हुई, लेकिन अगली सुबह जब मैं मिलने गया 10 बजे इमरजेंसी में तो वो लेट रहा है ठीक ठाक। अच्छा। हाँ डॉक्टर वहीं खड़े, उसकी रिपोर्ट पढ़ रहे, 2-3 डॉक्टर खड़े और बहुत मतलब सीरियस तरीके से बात कर रहे। मैंने पहली एंट्री मैंने ही ली इमरजेंसी में, ये सब बाहर खड़े। तो वो डॉक्टर पूछ रहे कौन है ये, तुम्हारा कौन है? मैंने भाई है छोटा, बताओ। तो मैंने बात बात करी, इतने ठीक ठाक बोल रहा, उसके होठ जो बिल्कुल नीले हो रहे और सूख रहे मतलब कतई खुश्की आ रही मुँह पे। मैं बोला आदि सर तो इतनी प्यास कैसे लग रही है? हमने तो सोची कि बोल चाल रहा ठीक है, सब लोग छुट्टी करवा लेंगे, मगर जो भी दवाई ववाई लगाई एम्प वगैरह लगाया ठीक, रात रात में आराम कर देंगे डॉक्टर। तो वो डॉक्टर बोले एक मिनट को साइड को थोड़ा सा, मुझे कुछ छोटे से केबिन से मैं ले गई कोड को, फिर वे मुझे समझाने लगे। मैं बोला मुझे मत ना समझाओ, मैं 3-4 भाई मेरे से भी बड़े बाहर खड़े उन्हें बुला लो और सारे ना साथ ही बताओ क्या दिक्कत। फिर जो इन्होंने बात सुनी ना, तो छोटे भाई या बड़े भाई फैमिली के किसी भी मेम्बर के लिए सुन लो ना, वो पैरों के नीचे से धरती निकल जाती है यार। तो मतलब बात कर रहा था वो ठीक था, ऐसे बैठा है, खाना वाना खा रहा है, तो इन्होंने बोला इसे कैब की घर ले जाएं। हाँ, घर ले जाएं। हाँ। ठीक है बोल चाल रहा। हाँ। और मैं कह रहा हूँ तो खुशकी बहुत आ रही, फिर कह रहा हूँ मैं वो नारियल पानी पीऊंगा। हाँ। और थोड़ा कुछ खाऊंगा पीऊंगा, घर 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगा, फिर जिम विम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। मैंने कहा चल ठीक है, तो आज तक छुट्टी कराते हैं। हम तो छुट्टी के मूड से गए घर से, हमें क्या पता ऐसी दिक्कत है। फिर वो एक और को लेकर डॉक्टर ने ये बोले इन तुम्हारे भाई है ना कैसा लग रहा देखने में? ठीक लग रहा, मुझसे तो बोल चाल रहा। अच्छा ठीक लग रहा। फिर उन्होंने रिपोर्ट निकाली, रिपोर्ट एकदम वो किडनी की ली और वो सारी जो वो दिखाई उसने, भैया इनमें तो बहुत प्रॉब्लम है, ये आने वाले 24 घंटे में अगर वेंटिलेटर पर ना गया तो ये शायद बच सकता, शायद जब कह लो शायद बच सकता। मैंने कहा मैं रुके डॉक्टर साहब, मैंने बाहर से बुला लूँ, मैं भैया खड़े हैं बाहर है, मैंने सारे बुला ली फिर अंदर की। मैं तो जब इतनी बड़ी बात डॉक्टर कह रहा है रिपोर्ट देखने शायद, तो मैंने किया बात का हाथ से निकल जाएगी ऐसे। तो मैंने कहा तो ठीक बैठा, मैंने कि इनके बस की ना हो तो हम दिल्ली ले जाएं, कहीं और ले जाएं, बताए बड़े हॉस्पिटल इनके बस की ना हो तो मैंने डॉक्टर साहब अभी बता दो। मैंने कहा भैया कहीं ले जाओ, इसका बहुत ज़्यादा दिक्कत है, किडनी इसकी फेलियर है बिल्कुल ही, किडनी भी लीवर भी इंटेस्टाइन भी ब्लड और खत्म, जीरो है, शुगर जीरो है, सब चीज़ जीरो, सब कुछ जीरो है। अच्छा जी। हाँ तो सारे भाई बुला लिए अंदर, डॉक्टर ने कहीं भैया ऐसे ऐसे बात है देख लो, तुम्हारा कहीं और ले जाना तुम्हारे वहाँ ले जाओ। हाँ। अगर तुम चाह रहे हो कि हम इलाज करें कोशिश करें तो हम तो कर ही रहे हैं अपनी तरफ से जो हम पर हो रहा है। हाँ। जब कहाँ ले जान, न्यू बढ़िया हॉस्पिटल है और ये न्यूरो सर्जन राजीव मोतियानी नोएडा में बेस्ट सर्जन है, इससे बढ़िया सर्जन ही ना कोई भी, मैंने कि यहाँ जी के सूत्र बढ़िया कुछ भी ना। ठीक है जी। उन्होंने अपने ट्रीटमेंट चालू रखा, शाम तक ही शाम के 4 बजे तक ही इतनी बेचैनी होगी डॉक्टर ने कुछ लड़ने में भाग लगा ठीक है। अच्छा। हाँ मतलब दिमाग जो है ना थोड़ा सा आउट हो गया। हाँ। कंट्रोल पेशेंस खोल लगा वहाँ जगह, फिर उन्होंने डॉक्टर ने उसके हाथ वाथ बांध दिया, नशा के का डोज दे दी हल्की मोटी तो कंट्रोल में रह गए, आईसीयू वाले इन पर रोड बजा लगा वहाँ जगह, सबकी पिटाई कर दी, जितनी भी नर्स थी जितने भी डॉक्टर्स थे सबकी। उन्होंने उसने जो अंदर उस पर स्टाफ पे हाथ फेर दिया। हाँ। उन्होंने उसके हाथ हाथ बांध दिए बेड पे और लिटा दिया। तो फिर वो रात को ही रात को फिर कॉल आई कि भैया तबीयत ज़्यादा मतलब स्टेबल ना हो रहा बीपी, ये तो वेंटिलेटर पे जा रहा। उन्होंने शाम को ही 7 या 8 बजे वेंटिलेटर पे लगा दिया उसी दिन। अच्छा। हाँ शाम तक ही, सुबह तो बोल रहा है 10 बजे। हाँ। और शाम को 8 बजे तक वेंटिलेटर की हालत होगी, डॉक्टर सही बोल रहे कि 24 घंटे के अंदर अंदर अगर वेंटिलेटर पर ना गए तो बच भी सकता, लेकिन वो 24 घंटे कहाँ कहाँ। हाँ। 10 से लगा लो 8 बजे, 8 बजे कितने घंटे हुए, 8 घंटे हुए ना, 10 घंटे हुए बस। और वो जो रिपोर्ट्स थी ना, अब क्या होता ना इंसान ऐसे सोचता कि किसी भी तरह से हम अपने भाई को अपने फैमिली का कोई भी इंसान है उसको बचा लें कैसे भी हम, तो इन लोगों ने उसकी जो रिपोर्ट्स आई थी वो पूरी मतलब ऑल ओवर इंडिया जितने भी अच्छे हॉस्पिटल है ना सब जगह घूमे, व्हाट्सएप भेजी, मेल भेजी कि भैया ये रिपोर्ट है कोई बचा सकता है, सब ने हाथ खड़े कर दिए, एम्स, गंगाराम,
फोर्टिस जितने भी बड़े हॉस्पिटल है ना, सब ने हाथ खड़े कर दिए कि भैया ये लड़का नहीं बचेगा। अच्छा, उनके पास भी केस समरी लेके गए हम, तो उन्होंने भी नहीं कही भैया बहुत ही मुश्किल बात है अगर बच जाए। तो ये है थोड़ी सी लापरवाही। उसके बाद फिर 10 बजे तक उस पर डाल दिया, रात को 8 बजे वेंटिलेटर पर लगा दिया। वेंटिलेटर पर लगाने के बाद अगले दिन सुबह 11:30 बजे तक खत्म। अब यार मेरा जो कहने का मतलब है भाई, यही समझा रहा हूँ, 3 साल हो गए समझाते समझाते, उल्टा आधे लोग हमें कमेंट मार देते हैं, तोंद निकल रही है। अब यार लुक एट कपिल भाई पर्सनालिटी, कहाँ से कमी लग रही है यार। थोड़ा पेट निकला हुआ है बट फिट पर्सनालिटी है। मैक्स के नहीं हो सकते 6-pack abs। मैं 12 महीने नहीं बना के घूम सकता। मुझे भाई प्रोज एंड कॉन्स सारी चीज़ों के पता है। दैट्स वाई मैं तो बहुत स्मार्टली गेम प्ले करता हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन मुझे मोटा कह रहा है, कौन मुझे ये कह रहा है कि तेरे स्टीरॉयड निकल गए। लेके देखे हैं ना हमने, आपने भी लिए हैं, हमने भी लिए, सब ले रहे हैं। लेकिन जो समझ गया फिर हमें लेने के बाद लगा भाई कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक लेते रहो बॉडी बनी रहती है, छोड़ दो फुस हो जाती है। यही फैक्ट है। स्टेरॉइड का भी एक रूप होता है। अब एक बात बोलो, हम कोई भी चीज़ ले रहे हैं, अगर हम नस वाली ले रहे हैं डायरेक्ट का बीपी, वो बीपी तो हाई करेंगे करेगी, तो वो एम्प ले रहे हैं, टर्मिन ले रहे हैं, कोई स्टेरॉइड थोड़ी है। ये तो सबसे गंदी चीज़ है, इन्हें तो लेनी ना चाहिए। अगर बॉडी भी बना रहे हैं, एब्स भी बना रहे हैं, इन्हें ही लेकर ना बना। एक बार को कुछ और अच्छे गुरु की गाइडेंस में कुछ और ले लो, इनसे कभी भी आपको कोई दो तरह के इंजेक्शन होते हैं, जिन लोगों को नहीं पता बता दूं, इंट्रावस्कुलर आईवी और इंट्रामस्कुलर आईएम होते हैं, जो हमारे हिप्स में लगते हैं, शोल्डर्स में, लेग्स में, कहीं भी आप लगा सकते हो। लेकिन जो आईवी होते हैं, इंट्रावेनस जो हमारे इंजेक्शन होते हैं, जो यहाँ लगते हैं, भाई कोई भी अगर आपको सजेशन दे रहा ना इस चीज़ की, बिल्कुल साफ मना कर दो कि भैया नहीं चाहिए। अब ये क्या चीज़ है जिन लोगों को ऐसे लगता है ये लगाने से हमारी मसल बन रही है। मैं तुम लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये जो एम पे जो टर्मिन है, इसका इससे मसल का कोई लेना देना नहीं है। दिस इज़ अ सिंपल नशा, नशा है, एडिक्शन है, दैट्स इट। इसका मसल से कोई लेना देना है ही नहीं। जितने भी लोग ये सोच के लगा रहे हैं कि मेरी मसल इससे बनेगी, हमारी बॉडी के अंदर एक मॉलिक्यूल है जिसको हम बोलते हैं ATP, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट। 3 फॉस्फेट हैं हमारी बॉडी के अंदर। एक बंदा यहाँ बैठा दूँ, ये एडेनोसिन मॉलिक्यूल है, ये 3 इसके फॉस्फेट हैं। वर्कआउट होगा, एक गायब हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो बचे 2। तो बॉडी को थोड़ी थकान होती है। एम्प एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, एक एडेनोसिन मॉलिक्यूल और एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल। एक खराब हुआ, हल्का सा थका, 3 फिट दोबारा हो गए। तो एम्प जो आपने लगाया वो आपको सिवाय एनर्जी देने के कुछ नहीं करता। जिन लोगों को ये लगता है कि हमको इससे मसल्स हमारी बन रही है, मसल नहीं बनती है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, दूसरा सीधा ड्रग है, या तो आप कोकेन का नशा कर लो या एम्प और टर्मिन का नशा कर लो, दोनों चीज़ सेम है। मेरे ख्याल से कोकेन भी शायद इतना नुकसान नहीं देता होगा जितना एम्प और टर्मिन देते हैं। दूसरी चीज़, लोगों को लगता है कि इसको लगा के ना मैं कुछ सुपर पावर आ गई है। होता क्या है कि जब आप कभी 10-12 घंटे की नींद लेके उठोगे ना, उसके आधे घंटे बाद जब आप फ्रेश होगे तो बहुत अच्छी एनर्जी रहती है हमारी बॉडी के अंदर, हम बहुत अच्छा फील करते हैं। तो वही एनर्जी ये चीज़ हमारे अंदर डालती है, बट साथ में हमारा हार्ट रेट और ब्लड फ्लो इतना ज़्यादा हो जाता है। अब अगर मैं तुमको ये बोलूँ इस राउंड को 2 चक्कर बहुत स्पीड से मारो, तो शायद आप मार लो, लेकिन 3रे चक्कर पे आपका ना जो हार्ट रेट है वो 160, 170, 180, 200 भी जाएगा, लेकिन आप रुक जाओगे। अब उसमें आपकी बॉडी थकी, दैट्स वाई आप रुके। लेकिन ये जो सीधे आप यहाँ घुसा के सीधा मार रहे हो ना, ये जो आपका हार्ट रेट है ये उस लेवल को मैच कर रहा है जो आप 2 चक्कर स्प्रिंट मार के करा है, और वो भी 70 मिनट, 80 मिनट, 90 मिनट तक। अब अगर मैं आपको बोलूँ जिस स्पीड से आपने 2 चक्कर मारे उसी स्पीड से 70 मिनट दौड़ते रहो, तो हार्ट बाहर नहीं आ जाएगा। जैसे हम नेचुरल मान लो 2 चक्कर मार रहे हैं तेज, अपने हिसाब से 400 मीटर का हमने 2 चक्कर मार दिए नेचुरल, 800 मीटर दौड़ लिए, उसे लगा के हम 1600 मीटर दौड़ लिए, 4 दौड़ फालतू मार दिए, तो इसकी हार्ट की स्पीड तो वैसी डबल हो गई। आप दौड़ो भी मत, आपने 2 चक्कर मारे तो जो आपका हार्ट रेट है, क्योंकि आपके हाथ भी थके, बॉडी भी थकी, सांस भी चली, अपने आप रुक गई, उसे लगाते ही आपका जो हार्ट रेट है, चाहे आप बैठे रहो, ये हार्ट रेट तेज हो गया वही 2 चक्कर के बराबर, लेकिन 70-80-90 मिनट के लिए, 1.5 घंटे के लिए। अब आप सोचो 1.5 घंटे आप ऐसे भागोगे तो दिल फट गए। अब हमारा जो दिल होता है ना, हमारे जो बॉडी के सारे ऑर्गन्स हैं,
वो भगवान की दुआ से बहुत स्ट्रांग हमें मिले, हारी बीमारी कोई आपदा विपदा आए उसमें थोड़ा बहुत दवाई दारू करके ठीक हो जाए। लेकिन जब आप उसकी हर दिन बैंड बजाते जाओगे तो भैया ये तो ख़राब होना ही होना है। दूसरी चीज़, ये जो टर्मिन है, एम्प है, ये आदमियों के, हमारे लिए, बॉडी बिल्डर्स के लिए बनाई नहीं है। दिस इज़ फॉर हॉर्स, घोड़े होते हैं ना, घोड़ों के लिए दवाई बनाई गई है। क्या होता है, घोड़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे लगाए जाते हैं घोड़ों की रेस में। अब उनके पिछवाड़े पे मारा जाता है इसका बहुत बड़ी डोज। अब जैसे इसने बताया कि जब उसने इंजेक्शन लिया तो उसको इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा था कि एसी तक फोड़ दिए उसने, घूसे मार के दीवार तक फोड़ दी, घूसे मार के डॉक्टर तक पीट दिए। तो वो जब घोड़े को लगता ना तो वो घोड़ा इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है आने वाले 15-20 मिनट में। वह घोड़े पे मैंने पैसे लगाए, साला कल को मरता हो मर जाए घोड़ा, मेरे बाप का क्या जा रहा है। उसको ओवरडोज मैंने लगवाया तो उसने जाके मुझे 1 करोड़ के 5 करोड़ कमवाए ना, तो उनको लगाया जाता है। अब घोड़ा थोड़ी जाके किसी को पुलिस में रिपोर्ट करेगा कि इसने मुझे इंजेक्शन लगा दिया। पावर घोड़ा 1 घंटे दौड़ने में खर्च करता है ना, उसे लगने के बाद 1 घंटे वाली पावर 15 मिनट में झोंक, 15 मिनट में वो इतनी वो होती है, इतनी पावर लगा के घोड़ा, घोड़ा कोई ये थोड़ी है कि दौड़ता ही रहे, वो तो 5 मिनट का खेल होता है। यहाँ इसे लगने के बाद घोड़े भी मरे हैं, घोड़े भी मरे हैं। हाँ वही तो बता रहा हूँ मैं, घोड़े भी मरे। कई बार हुआ है जो पहलवान हमने बताया, वो कौन सा, महाराष्ट्र वाला, महाराष्ट्र केसरी, 2 डोज लगाई। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने आज डोज लगाई मर गया। बॉडी हमारी सिग्नल देती है ख़त्म होने से पहले कि भैया अब मेरे से झेला नहीं जा रहा है जो तुम मुझे दे रहे हो। बट लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते लोगों को। और ऐसा नहीं है खाली बॉडी बिल्डर कर रहे हैं, बॉडी बिल्डर भी कर रहे हैं, रेसलर्स भी कर रहे हैं, एक चीज़ और हो रही है। हाँ वो समझ जाते हैं, बॉडी सिम्टम देती है, वो समझ भी जाते हैं, लेकिन एडिक्ट चलने से क्या फ़ायदा जब बॉडी एडिक्ट होगी। जैसे हमारा आदेश 1.5 साल में चला गया, अब वीडियो जो हम बना रहे हैं वो क्यों बना रहे हैं, हम कई दिन से ये सोच रहे थे, क्योंकि हमने अखाड़े के अंदर भी सिरिंज देखी हैं, टर्मिन की शीशियां देखी हैं, बहुत सारे पहलवान हैं हर जगह। हम आंखों से जो पहलवान घी बादाम दूध की मिसाल होते थे, जो नेचुरल स्ट्रेंथ की कसमें खाते थे लोग, वो पहलवान भी आज की डेट में टर्मिन, एम्प, ATP यूज कर रहे हैं। ATP बॉडी के अंदर वाला नहीं, बाहर वाला। अब क्या है, मैं आज इसको आगे बताऊं कि यार ये ले ले इससे तेरी कुश्ती अच्छी होगी। अभी हो क्या रहा, लोगों के पास नॉलेज नहीं, उनको पता नहीं है क्या है। अब ये आज लगाएगा दौड़ेगा इसको अच्छा फील होगा, उसके बाद इसको लगेगा यार ये तो अच्छी चीज़ थी, कल भी लगाएगा, परसों भी लगाएगा, तरसों भी लगाएगा। अब इसको ऐसे लगेगा यार इसे लगा ये तो अच्छी चीज़ है, जान आ रही है, सबको हरा रहा हूँ, सबको पीट रहा हूँ। बॉडी बिल्डिंग वालों को ऐसे लगता है वर्कआउट में बड़ा मज़ा आ रहा है। अबे यार जब तुम बॉडी के अंदर जो 15 मिनट 1 घंटे 2 घंटे करने का वर्कआउट की जो जान है उसको आप 4-4 घंटे कर रहे हो, और जो आपके अंदर पूरे वर्कआउट करने की जितनी जान है उतना वर्कआउट आप 5 मिनट में कर दे रहे हो, तो वो स्ट्रेंथ फील होती है। दूसरी चीज़ इसके अंदर, अब क्या है, लोग पहले देखो बॉक्सर्स भी लगा रहे हैं, रेसलर्स भी लगा रहे हैं, हमारा बॉडी बिल्डर तो लगा ही रहे हैं। कितने लोग मैं आपको ऐसे दिखा दूंगा कि उनको ऐसे लगता है कि शेरू क्लासिक हुआ था अभी अप्रैल में, ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता। अभी देखो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता भाई, सुधर जाना टाइम से, 2-4 यूट्यूबर भी जाने वाले हैं। हालत ये है कि स्टेज के नीचे खड़े हैं, कॉम्पीट कर रहे हैं, बॉडी बिल्डर्स की बात कर रहा हूँ मैं, और जैसे ही उनका नंबर आने वाला है उससे पहले नसों में वो लगा रहे हैं कि इंस्टेंट पंप आ जाएगा। देखो इंस्टेंट पंप आना नहीं है, होता क्या है, शुरुआत कैसे होती है, आपको कोई भी देगा ये बोल के कि इसे लगा ले, इससे आपकी तेरी बॉडी में पंप आएगा और बॉडी बहुत अच्छी, तेरी नसें दिखेंगी और बहुत अच्छा तेरा ब्लड फ्लो होगा। वो आप एक दिन लगाया, आपको बहुत अच्छी स्ट्रेंथ फील होगी, 2 दिन लगाओगे, 3 दिन लगाओगे, 4 दिन लगाओगे। अब इसका दूसरा जो मैं आपको बताता हूँ, ये एडिक्टिव क्यों होता है, एडिक्टिव ये इसलिए होता है, ये आपने लगाया आपकी बॉडी हो गई फुल ऑफ एनर्जी। तो हमारी बॉडी जो हार्मोन्स रिलीज करती है, वो 2 हार्मोन रिलीज करती है जब हम अच्छा फील करते हैं। तो 2 हार्मोन होते हैं सेरोटोनिन और डोपामिन। ये हार्मोन्स जब रिलीज हो रहे हैं तो हमको, अब ये हार्मोन क्या होता है, आपके पास कोई गरीब आया, आपने उसको खाना खिलाया तो अंदर एक अजीब सी खुशी होती है कि मैंने किसी के लिए अच्छा करा। आपने माँ बाप के लिए कोई अच्छा करा, आपके माँ बाप आपके लिए प्राउड फील कर रहे हैं, आप देश के लिए मेडल ला रहे हो, वो जो उस टाइम खुशी फील होती है ना, वो उस टाइम पे हमारी बॉडी 2 हार्मोन्स रिलीज कर रही होती है, डोपामिन और सेरोटोनिन, मैं दूसरे में कंफ्यूज हूँ, ऐसी कुछ है। तो वो ये चीज़ सेम होती है एम्प लगाने से, टर्मिन लगाने से। अब शुरुआत ऐसे होती है कि मैक्स ने मुझे दिया भाई ये लगा ले, आज इसके साथ वर्कआउट करके देख मज़ा आएगा। मैंने आज लगाया, मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने 2-3 दिन बाद लगाया, फिर मुझे मज़ा आया। मैंने 4 दिन बाद लगाया, फिर मुझे मज़ा आया। अब धीरे धीरे ये मुझे वर्कआउट के लिए नहीं चाहिए, अब इसके साथ ऐसी एडिक्शन होती है कि अब ये मुझे मेरी डेली ज़िंदगी के लिए भी चाहिए। अब मुझे
मैंने सुबह लगाया, मैंने जो बताया 70 मिनट 80 मिनट काम करेगा बॉडी के अंदर, हार्ट रेट बहुत फास्ट होगा, हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत फास्ट होगी, तो हमें ऐसे लगता है मसल हमारी बहुत पंप है। जब अंदर जैसे हम दौड़ते हैं तो उसमें मसल पंप होती है ना हमारी, वर्कआउट करते हैं तो तभी तो हार्ट रेट तेज होता है, और जब ऑलरेडी हमारे अंदर हार्ट बहुत तेज धड़क रहा है तो हमारी बॉडी तो हमें पंप फील होगी जब नसों में खून भाग रहा है बहुत तेज। तो ये कुछ दिनों बाद आपको क्या दिखेगा कि आपकी बॉडी में वो पंप नहीं आ रहा, फिर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेता हूँ यार, डोज बढ़ा ली। अब वो 70-80 मिनट में खत्म हो जा रही है, जितनी देर आपने जिम में वर्कआउट करा उसके 3-4 घंटे तो पंप रहा, वो नसें वसें खड़ी हैं, बहुत गली सी स्किन दिख रही है, बहुत पंप वो दिख रही है। 3-4 घंटे बीते, आप एक टी शर्ट पहन रहे हो यार, वो पंप क्यों नहीं आ रहा, जाना है शादी में। जैसे जैसे बॉडी की अंदर स्ट्रेंथ खत्म होगी ना, डोज अपने आप बढ़ती चली जाएगी। जाना है शादी में, लगा रहे हैं लोग एम्प, नॉर्मल गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं एम्प लगा के जा रहे हैं कि बॉडी पंप दिखे। अब अंदर से बॉडी की स्ट्रेंथ खत्म होती जा रही है, जैसे कपिल भाई बता रहे हैं अंदर से ऑर्गन्स खत्म हो रहे हैं। अब वो कह रहे हम तो नहीं चल पा रहे, लेकिन तुम कह रहे हो मैं तुझे इससे चलाऊंगा। ये लगाए जा रहे हो, अंदर से खत्म हुए जा रहा है। आपको लग रहा है यार जैसे मेरा पिछले साल पंप आता था ना, लगते ही मैं घोड़ा बन जाता था, वो वाला पंप नहीं आ रहा, तो मैं थोड़ी और बढ़ाता हूँ। वो बढ़ाने 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 के चक्कर में जो मेरे भाई नाम सुन लो, एम्प टर्मिन ATP, ATP वो जो हमारे अंदर मॉलिक्यूल है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो बाहर से लोग ले रहे हैं, रेसलर ज़्यादा ले रहे हैं, है ना, एम्प बॉडी बिल्डर, एम्प टर्मिन और रेसलर ले रहे हैं हमारे ATP। तो ये तीन नाम ऐसे कान में बिठा लो भाई, इनका तुम्हारी मसल से तुम्हारे स्टेमिना से कोई लेना देना नहीं है, कुछ दिन का नशा है। और नशा भी ऐसा है जैसे कोकेन का नशा होता ना, सेम वैसे इसका नशा होता है। हाँ, अंदर लीवर किडनी इंटेस्टाइन सब कुछ जला मिलेगा। जो लोग इसके नशे में पड़ गए हैं भैया, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आज सभी से कम करो, कम करके धीरे धीरे बंद कर दो। अदरवाइज जो पड़ गए हैं, जैसे मैंने कपिल भाई को बोला आदेश के लिए बोल दिया था 1.5 साल पहले, क्योंकि आदेश ने मैंने साथ में बड़े झगड़े करे हैं, तो यार बहुत स्ट्रेंथ थी उसके अंदर ना, 120 किलो हो 130 किलो हो कितना भी बड़ा बॉडी बिल्डर हो, उसे लड़ना था उसे वो पीटने एक्सपर्ट। लेकिन हमें भी इतनी जल्दी नहीं कि ये इतनी जल्दी मतलब इतनी बड़ी गलती कर देगा, समझदार आ रहा, हाँ, हर चीज की नॉलेज, हाँ, स्टडी की भी नॉलेज, हाँ, तो दिमाग में कभी आई ना कि ये इतनी गलती कर देगा, तो इसलिए फोकस भी ना करता जल्दी से। समझदार है, हर चीज कर रहा है, पुराना हो रहा है, काफी दिन से संभाल लेगा अपने आप, ज्ञान है, हां यही दिक्कत है। तो पास बच्चे संभाल लेना ही की रही, हां इतने इनका तो गुरु बन गया। देखो कितनों का गुरु, जिसे जो जिसको खुद उतनी नॉलेज नहीं है साइंटिफिक, वो गुरु बन गया, वो गुरु बन गया। तो ऐसे गुरुओं से ही तो भाई था हमारा, चलो ये बात बोलनी चाहिए, लेकिन ऐसे गुरु, अब उसको ये पता मेरी बॉडी में पंप एम्प से आता है, दो बच्चे आएंगे पैर छुएंगे, गुरु जी हमें भी कुछ बता दो, ले तू भी ये लगा ले, इसका तो नाश हुआ ही हुआ साथ में उसका भी है। ऐसे भी लोग हैं मैक्स जो परेशान है, छोड़ना चाहते हैं, जिनको एडिक्शन हो चुकी है, जिनको नॉर्मल ऐसे बैठने में ना ही रोटी खा के ऐसे हाथ कांपते हैं जब तक वो उसको लगाना ले। कभी दारू पिया हुआ इंसान, नशा करा हुआ इंसान देखा, उसको 2 दिन नशा ना मिले कैसे कांपता है। बॉडी बिल्डर्स 20-20, 21-21 इंच के बाइसेप्स लेके ऐसे ऐसे कांप रहे हैं और वो छोड़ना चाहते हैं, शर्म से ना शेयर कर पा रहे हैं ना किसी को बता पा रहे हैं, ऐसे है। मुझे बताइए, है ना, तेरी बात बताना, तुमने बताई ना मुझे, हाँ, कि मैक्स भाई छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ नहीं पा रहा हूँ, सेक्सुअल हेल्थ बिल्कुल ख़त्म है। अबे यार तुम आधे लौंडे फैंचो लड़कियों के सामने स्टाइल मारने को ना, कि लड़कियों के कमेंट आएंगे, रील्स बनाऊंगा, लड़कियां पटाऊंगा। अबे भाई जब सेक्सुअल हेल्थ ही नहीं रहेगी, मर्द ही नहीं रहोगे, तो उस बॉडी का करोगे क्या? और वो बॉडी भी रहनी नहीं है, ना रोनी कोलमैन की रही, ना आर्नोल्ड की रही, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर फेल हो गए, तुम और हम चीज क्या, ये एट द एंड नहीं रहेगी, एट द एंड हमारी जो नॉर्मल हेल्थ है वही काम आएगी, जो हमारी नॉर्मल जनरल फिटनेस है वो काम आएगी हमारी। जैसे कपिल भाई बैठे हैं बिल्कुल फिट बैठे हैं, रेसलिंग भी कर ली, बॉडी बिल्डिंग भी कर ली, आज उनको सब समझ में आ गया रेसलिंग में भैया हमने इतना करा, बॉडी बिल्डिंग में तो साला गंदा है, मैं तो नॉर्मल खाऊंगा, 10 किलोमीटर दौड़ मारूंगा उसके बाद। बॉडी जो है ना, जो सामान ले रहे हैं उनसे ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रही है, फिर उनसे ज्यादा वेट उठा रही है, फिर तो और उनसे ज्यादा मेहनत भी कर रही है, तो मुझे जरूरत का है। अब वो अंदर से खत्म पड़े, आप एकदम हेल्दी हो। बिल्कुल, अभी मैंने टेस्ट कराई पिछले महीने, पूरी बॉडी के 74 टेस्ट हुए, बिल्कुल सब पर ग्रीन टिक लग के लगा एकदम, डॉक्टर भी अगर पहले जो बिल्कुल बढ़िया चल रहे हो, यानी कि हाँ मेरी बॉडी के अभी लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन के आधे कहते भैया क्या छोड़ दिया, जिम छोड़ दिया। मैं बहुत स्मार्ट इंसान हूँ भाई, मैं मेरी हेल्थ से रिस्क नहीं लेता। कहोगे तो तुम्हें ब्लड रिपोर्ट अपनी दिखाऊंगा अक्टूबर की, सब कुछ खत्म था, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है, देन टेस्ट कराया देखा तो ओ भाई साहब सब कुछ जीरो पड़ा है।
फटाफट फटाफट रिकवरी करी, आज बिल्कुल ठीक है। तो भाड़ में जाए भाई ऐसा वर्कआउट, भाड़ में जाए ऐसा जिम, भाड़ में जाए ऐसी स्टीरॉइड, भाड़ में गई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन, वहीं रोक दो। आधे लोग होड़ में कर रहे कि यार मैं 8 महीने से तो मेरी बॉडी ऐसी दिख रही है, अब 2 महीने के लिए डाउन हो गई तो लोग क्या कहेंगे? भाई लोग जो कहेंगे कहने दो, भोगने दो, कुछ नहीं जाता किसी का। या आदमी जब परेशानी में आता कोई लोग ना आता, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता भाई। जो तारीफ कर रहे होते हैं, जो कमेंट कर रहे होते हैं ना, वो कोई काम नहीं आता ये। हाँ हाँ, कोई घर नहीं आता भाई। आदेश की माँ को, आदेश की माँ को जितने लोग कमेंट करते थे या चेले थे जो गुरु, कोई आटा देने नहीं आता, कोई माँ के आंसू पोंछने नहीं आता, अपने ही काम आते हैं। आज जो उनका परेशानी उन्हें पता हो, आने वाले टाइम में जो एडिक्टेड हो चुके हैं, जिनकी डोज हर दिन बढ़ रही है, वो बहुत जल्दी तुम्हें खबरें मिलने आएंगी, उनको तो कोई रोक भी नहीं सकता। जो एडिक्टेड हो गए वो नहीं रुकेंगे। अब हमारा वीडियो बनाने कंसर्न ये है, जिन्होंने अभी तक नहीं लिया, मैंने बहुत सारी पहले भी वीडियो बनाई है, श्रेडिड बॉडी चुतियापा बनाई थी एक, एक मैंने अपने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया। तो बहुत सारे लोग जब मुझे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि भैया हम ना स्टीरॉयड लेने वाले थे, पर राजवीर भैया आपकी वीडियो देखी हम रुक गए। तो मुझे बहुत खुशी होती है। ये जो टर्मिन वगैरह है ना ये, हाँ ये मिलते हैं ब्लैक में, ब्लैक में। हाँ, ये वैसे 250-300 रुपए का इंजेक्शन होता, लेकिन बच्चे से 1000 रुपए में, 1000-1200 रुपए ले रहे हैं, ठीक है। एक बार को बच्चे पे पैसा भी ना है ना, और एडिक्ट होगा वो, तो वो इधर उधर से पैसा मांगे, फिर पैसे मांगेगा, उधार करेगा, चोरी करेगा। हाँ, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि शुरू में ये काम हमारे लिए एज अ स्टेमिना बूस्टर, एज अ वर्कआउट बूस्टर काम करता है, हमें ऐसे लगता है मसल, उसके बाद ये बॉडी पे कुछ नहीं है, उसके बाद सिर्फ ये नशा बन के रह जाता है। कि आप नॉर्मल भी शादी में कहीं जा रहे हो तो आप ऐसे ऐसे कांप रहे हो, आप जिम का बैग उठाओगे, उसमें से निकालोगे, सुई भरोगे, यहाँ लगाओगे, तब जाके 15 मिनट में आप नॉर्मल होगे। एक चीज सेट हो जाकर अब जब तक ये लगेगा, हाँ जब तक मैं जिंदा रहूँगा वो चीज़ हो जाती है। हाँ, तो जो जो ले रहे हैं डोज बढ़ा रहे हैं वो तो जाएंगे भाई, उनको कोई ना रोक पाएगा। और जो लेना शुरू कर रहा है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर रोक सकते हो, दिमाग से स्ट्रांग कोई चीज़ नहीं है, अगर आप चाहोगे रोकना तो रोक लोगे। और जिन्होंने कभी नहीं लिया, लेने का सोच रहे हैं या खरीद लिया हो आज, वो तो पास भी मत जाना, गलती से खरीद लिया, इनके पास आ गए तो शीशियाँ फोड़ के फेंक दो। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जिसने ये लगा लिया इसका मतलब ये उसने अपनी मौत को दावत दे दी, 1 साल में 1.5 साल में 2 साल में चाहे 10 साल में, बहुत शॉर्ट लाइफ अपनी कर ली, शेर की सवारी कर ली, कि अब ये शेर रुकेगा तो खा के रहेगा, मौत होनी ही होनी है, 100% होनी है भाई, हम हमारा नहीं रोक पाए तो देख लो आज रो रहे हैं, हैं? बिल्कुल, अब पता होते होते, पता होते 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 ना रोक पाए। अब कहने को भाई ये तीनों खूब समझदार बैठे हैं, दुनिया समझा रहे हैं अपनों। ऐसी होती हैं। तो भैया जितने छोटे भाई हमारे देखते हैं, बॉडी वॉडी बनाओ, जनरल फिटनेस की तरफ जाओ, सप्लीमेंट्स जितने खाने खाओ, इंडियन ब्रांड्स खाओ, बाहर के खाओ, एटलीस्ट नुकसान नहीं होते सप्लीमेंट से। जितने भी घर वाले देख रहे हैं, मेक श्योर आप इन्हें पैसे देते टाइम जब ये जिम जाते हैं, इनके बैग्स चेक करो, इनके बैग के अंदर क्या क्या चीज़ें, किसी भी तरह का कोई भी इंजेक्शन दिखता है डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करो, इनके मुँह पर 2-2 थप्पड़ मारो और इनको घर बिठाओ, जिम में इनका सब छुड़वाओ। अदरवाइज़ मेरे भाई मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने भी भाई हमारे लेने जा रहे हैं आज ही रुक जाएं, ना लें, क्योंकि 2-3-4 डोज भी लगाई ना तो फिर ये सोच लेना कि आपने अपनी मौत को खुद दावत दे दिया, अब इसके आप एडिक्ट हो जाओगे। जैसे कोकेन का नशा होता है सेम वो नशा है, जैसे ड्रग्स हम लेते हैं, संजू मूवी देखी थी भाई ना, उसको रिहैब में भेजे उसके फादर तो मरे ही मरे, नशे से मरे। घर में पैसा है, हाँ तो भैया मालदार आदमी है, अमेरिका चला गया, हाँ चीजें होगी, हाँ सब इतने मालदार, सब इतने पैसे वाले थोड़ी हैं, उधार लेके गले की चेन बेच के, चेन चुरा के तो तुम ये टर्मिन एम्प खरीदो, उसके बाद नशे के एडिक्टिव हो जाओ, उसके बाद फिर छीन छीन के लोगों से उधार मांग मांग के ये लगाओ, उसके बाद सब कुछ खराब है, फिर उसका ऑपरेशन कहाँ से करवाओगे यार। तो भैया सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, ये तो 5-6 महीने में उसमें निकले, ये जो मानसिक संतुलन ना दोनों का इतना ख़राब था मेरा अंदर, बाहर ये ट्रॉमा में, उधर उसके मम्मी पापा, पापा को दिखाई नहीं देता, आंखों का ऑपरेशन हुआ है, पूरा घर मतलब ख़राब हो गया यार। तो सारे लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के भाई, जो और हमें ना बहुत कमी महसूस होती है उसकी, हर दिन होती है, तो ऐसा कोई दिन ना जाता हूँ जिस दिन हम उसके बारे में बात ना करते हो। और मैं इस टॉपिक को बहुत टाइम से अवॉइड कर रहा था कि ना बनाऊँ, क्योंकि हम बात करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं जाके सोने में तकलीफ होती है, क्योंकि उसके साथ मूवमेंट्स इतने सारे हैं। मेरी मारुति नक्शा वाली वीडियो में देखा होगा आपने, मतलब मेरे से तो बहुत ज़्यादा, इनसे ज़्यादा मेरे से प्यार था उसे,
और ये सारे बोलते भी कि मैं अंदर ना होता तो वो, क्योंकि उसको कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो इनसे डिस्कस ना करके, क्योंकि चाचा के बेटे हैं, बड़े भाई हैं, थोड़ा सा बड़ा है, हाँ, तो मुझसे थोड़ा सा डर ही खड़ा है। बड़े भाई से ना घर परिवार में लोग डरते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ गुरु जी 5 मिनट मुझसे बात कर लो, थोड़ा सा मैं ज्यादा परेशान हूँ, मैं थोड़ा सा कुछ तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, समझो बात है। लेकिन मुझे हाँ मुझे कितनी बार बता देना सारी चीज़ें कि ये हो रहा है ये हो रहा है, तो अब चीज़ें नहीं रही, लेकिन भाई बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि अभी भी सर में दर्द हो गया, उसकी घूमने लगा दिमाग में, तो भाई इससे दूर रहो। जो भी कोई भी तुम्हें ट्रेनर या कोई भी बॉडी बिल्डर या कोई भी, बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे ट्रेनर्स भी हमारे गुरुजी जैसे, टाइगर भाई जैसे, जो गलत चीज़ें रिकमेंड नहीं करते, लेकिन अपने पैसे के लिए, जैसे पाजी बता रहे हैं कि 200 रुपये की चीज़ें लोग 2000 में खरीद लेते हैं, अब मैं 10 चीज़ दे दूँ, मेरे पास ये भाई आए भाई वो दे दो मुझे बॉडी तगड़ी करनी है, वो मैंने सुना है उससे बहुत जल्दी रिजल्ट आता है, मैं इनको 10 शीशियाँ पकड़ा दूँ, मेरे 20,000 रुपये बन गए, मर रहा तो मरता रहा, मेरे को क्या यार, रोज़ दुनिया मर रही है, मेरे को क्या मतलब, मेरा पैसा बन गया। तो कोई भी इंसान तुम्हें सजेशन देता है या नस में इंजेक्शन लगाने का, या कोई भी बोतल देता है उसका रैपर छुटा के ये बोलता कि भाई तू ये लगा ले बस, बाकी रिजल्ट देखियो, तो भैया दूर हो जाना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इतना ही कहना चाहूँगा, और आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहो तो नेक्स्ट वीडियो में मैं मेरी खुद की ब्लड रिपोर्ट दिखा दूँगा, जो लोग दिखाते नहीं हैं, कोई भी बॉडी बिल्डर नहीं दिखाता, मैं दिखा दूँगा। होता क्या है ना कि कोई बोलने से इसलिए डरता है कि उसके ऊपर टैग लगा देते हैं लोग, कितनी बार मैंने पहले अपने स्टेरॉयड के बारे में बताया तो लोगों ने ये तो स्टेरॉयड यूज़ करता है, अभी लोग क्या करते हैं जब साइकिल यूज़ कर रहे होते हैं तो उनकी सारी चीज़ें जीरो हो जाती हैं, तब तो वो नेट के ऊपर आके दिखाते नहीं हैं। बॉडी बना के भी हाँ नेचुरल बता दें, नेचुरल बता देंगे, और जो अंदर से ख़त्म है वो ब्लड रिपोर्ट कोई नहीं दिखाता, जब PCT करके सब कुछ ठीक करके सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है तब दिखाते हैं कि मैंने तो ये बॉडी बनाई नेचुरली, और ये रही मेरी ब्लड रिपोर्ट, और इस ब्लड रिपोर्ट में कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने कोई स्टेरॉयड नहीं लिया। सच कोई नहीं बोलता भाई, आज की डेट में जिनके पास बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छे कोच हैं वो तो, और मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि ये चीज़ें बॉडी में जाती है ना, चाहे आपके पास कितना भी अच्छा कोच हो, आपको कितनी भी नॉलेज हो, इसके साइड इफेक्ट होने ही होने हैं, 100% होने ही होने हैं। हाँ डिसबैलेंस, हाँ कोई होने ही होने, 101% होंगे, कितना भी आप स्मार्ट प्ले कर लो, बट हाँ जो स्मार्ट लोग होते हैं वो थोड़ा उसको कंट्रोल कर लेते हैं, अदरवाइज जो अल्लड़ लोग हैं ना 70% लोग अंदर से ख़त्म पड़े हैं, उनको बताने में शर्म आती है कि भैया हमारे साथ सेक्सुअल प्रॉब्लम है, हमारी बॉडी लीवर किडनी सब डैमेज है, बट उनके ऊपर एक टैग लग गया कि उनको इंस्टाग्राम पे एक उनका एक नाम सेट हो गया कि इस बंदे की ऐसी बॉडी है, तो उस बॉडी को वैसे के वैसे मेंटेन करने के चक्कर में ना उनको ये दिख रहा है मैं कितने सालों से साइकिल ले रहा हूँ, या ये एम्प लगा रहा हूँ, टर्मिन लगा रहा हूँ, नुकसान 100% होगा। और अगर ये फेक दुनिया का फेक बॉडी बिल्डर बनना है तो बनते रहो भाई, अदरवाइज हमारा सजेशन मानो, देखो वो भी गोलू मोलू बैठे हैं, ये भी और मैं भी, हमारा मन करता है 3-4 महीने हम अच्छी मेहनत करके ठीक ठाक बॉडी बना लेते हैं, फिर अपना खाते पीते फिर गोल हो जाते हैं, तो गोल होने में और फिट होने में रहने में कोई बुराई नहीं है। अगर तुमको लगता है खाली 6-पैक एब्स होंगे, थाइस पे नसें निकलेंगी, डोले का अंडा इतना बॉल जैसा गोल होगा, तो ही तो भैया वो फिट थोड़ी है, फिट नहीं है वो, अनफिट है, वो तो अनफिट है, वो तो बस दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, नहीं उसे वैसी दौड़ा लो या कुछ भी, कुछ भी बस ही ना ना नहीं, स्टेमिना स्ट्रेंथ का काम तो उसका होगा, खत्म पावर कर देगा, खत्म पावर तो करेगा वो आजीवन, उस पे स्ट्रेंथ और स्टेमिना की चीज नहीं होगा, कुछ भी ना होगा। तो भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप मैं हमारा जो मन है वीडियो बनाने का जो था, हमने ये सोच के बनाई, हम कल भी बात कर रहे थे कि ये वीडियो देख के 2 बच्चे भी रुक गए ना, तो हमारा काम वसूल है, 2 भी रुक गए, क्योंकि ये चीज जो ना जल्दी अब ज्यादा पकड़ कर रही है, अब बहुत ज्यादा पकड़ रही है, बहुत ज्यादा बढ़ गई, हर जगह पहलवान का भी ले देखो, पहलवान मतलब इस चीज से पहलवानों में बढ़ गई, सारा हिंदुस्तान बचने आ रहा, जहां टर्मिनेम पे ना पहुंच गए, ना पहुंच गए, सब जगह पहुंच गए, अब जो समझदार है हाँ वो ना ले रहे, अब जैसे कोई नया बच्चा 18 साल 20 साल 15 साल का, उसके पास उसे का पता ही क्या करेगा, सही बात, मजा देगा, एक आध कुछ अच्छी लड़ाएगा वो, तो फिर कहेगा मजा आया बहुत तगड़ा, मैं तो यार अपने हर कुश्ती में, हर कुश्ती अच्छा, पहलवानों की जो मेंटालिटी हो रही है वो पता क्या हो रही है, अब एंचो मैम हमने इतने बादाम खाए, इतने काजू खाए, इतना दूध पिया, सब बेकार है, ये तो इतनी सी शीशी ने इतनी बढ़िया कुश्ती लड़वा दी, तो मैं तो काजू बादाम भाड़ में गए, इस पे इन्वेस्ट करूँगा, अब जो पैसे घर से मिलेंगे इस पे, लालच हो जाता है, तो भाई ये लालच बहुत शॉर्ट टर्म का है, 1-2 साल का है, बावले हुए घूम रहे हैं लड़के, वो ऐसे ऐसे बैठ रहे थे, उनको ये भी नहीं पता होता दुनिया में चल क्या रहा है, सुन रहे हैं, सुन
तीन बार आवाज मारोगे तब ऐसे सुनेंगे हाँ, फिर एक इंजेक्शन लगाएंगे, फिर घंटे दो घंटे के लिए नॉर्मल होंगे, उसके बाद उन्हें पता लगेगा हाँ ये दुनिया है, ये कैमरा है, ये माइक है। ऐसे एक एक ऐसे टाइम आ जा तो घर यार रिश्तेदार मिलने आ रहा हूँ ना, हाँ। वे पहले लगा के बैठ जा, हाँ। नॉर्मल होने के लिए, हाँ। नॉर्मल की बातों में जो कॉन्वर्सेशन हो रही है उसमें इन्वॉल्व हो पाए, वो बात के लिए भी वो लगा के तब बैठ रहे ताकि शक ना हो सामने वाले कुछ गलत है इसके साथ, ये हाँ। तो उनका माइंड काम ना करता, काम नहीं करता, बैठे हैं कितने, क्योंकि हम देख रहे हैं, बिल्कुल ये हम इसलिए बता रहे क्योंकि हम देख रहे हैं अपने आसपास ओवरडोज वाले जो शिकार हो रखे हैं। ठीक है, तो मेरे भाई सबसे रिक्वेस्ट है कोई भी मत लेना ऐसी चीज जो कोई तुम्हें दे नस में लगाने के लिए, दूध दही खाओ पियो, फिट रहो, मौज लो देसी खाओ पियो भैया, और जिस चीज के पीछे भाग रहे हो और जिस चीज के लिए बॉडी बना रहे हो वो चीज मिलेगी और उसके साथ ही नहीं खेल पाओगे, उसके साथ ही कुछ नहीं कर पाओगे, तो उस बॉडी का भाई फायदा क्या है? तो दोनों चीज भी तो ना मिलती जीवन में, कुछ नहीं मिलेगा, वो कहीं और चली जाएगी, तुम लगा के यहाँ बैठे रहोगे, तुम डैमेज हो गए, सही बात खराब भाई चीज, तो भाई ध्यान रखो, दोनों चीज गंदी है, ये खराब है घर के, इनको माँ बाप को, तुम तो निकल जाओगे 30-25 साल की उम्र में, माँ बाप बेचारे हाँ, पूरी जिंदगी। तो भाई ठीक है, थैंक यू सो मच, जितने भी हमारे भाई ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज इससे दूर रहना, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।